morning, children. I hope you all are well. Children, last video में मैंने आपको वर्ण विचार पाठ से द्वितीय व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अयोगवा आदि के विषय में समझाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको पदेन, र एवं रेफ का प्रयोग, री की मात्रा आदि का प्रयोग बताऊंगी। पदेन र क्या है और रेफ क्या है? देखिए, पदेन र इसको बोलते हैं, ये इसकी मात्रा होती है, एवं रेफ की मात्रा ये होती है जो कि ऊपर से हाफ लगती है। इसका प्रयोग कैसे करा जाता है ये बताती हूँ। जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस रा को व्यंजन की खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई माने जैसी यहाँ ऊपर भी लगी आप देख रहे हो और यहाँ पे भी देख रहे हो, के रूप में लिखा जाता है। जैसे व धन र धन ता इक्वल क्या हुआ, व्रत, इसको पढ़ेंगे व्रत। दूसरा उदाहरण देखिए, प धन रा धन रा इक्वल क्या हो गया, प्राण, इसको पढ़ेंगे प्राण। ये आपकी कैसी पाई है, ये आपकी खड़ी पाई है। दोनों जगह देखिए व्यंजन में खड़ी पाई लगी हुई है, यहाँ प में लगी है और यहाँ पे व में लगी है। अब दूसरा है स्वर रहित ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं, ट ठ ड ढ के साथ पदेन र के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, ट ठ ड ढ के साथ ऐसे उल्टा वी, जैसे इंग्लिश का वी बनता है सीधा, उसी को आप अपोजिट बना देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करके लिखेंगे, उस तरह की मात्रा पदेन र के साथ लगेगी। जैसे ट धन र धन क इक्वल ट्रक, ट के साथ ही र की ध्वनि निकल रही, ट्रक। ड धन र धन म इक्वल क्या हो जाएगा, ड्रम। ड के नीचे र लगा दिया पदेन र और वहां पे म, ड्रम। अब देखिए स्वर रहित रा को लिखने के लिए रेफ का प्रयोग किया जाता है। अब रेफ क्या है, ये ऊपर की दिशा से मात्रा लगती है। इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ इसका मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे स धन र धन प इज इक्वल टू सर, ध धन र धन म इज इक्वल टू धर्म। धर्म लिखना है तो इसमें र को हम ऐसे रेफ की मात्रा के साथ प्रयोग में लाएंगे ऊपर की तरफ, इसका ऐसा चिन्ह रहेगा। री की मात्रा, री की मात्रा भी बोलने में री की तरह ही होती है, री की ही भांति होती है। जैसे ऋषि, ऋतु, कृष्ण, कृषक आदि, कौन कौन से हो गए री की मात्रा के शब्द, ऋषि, ऋतु, कृष्ण, कृषक आदि।